वेलकम टू लाइनर्स टू व्हीलर बाइक सर्विस। आज हम CBR 250R का क्लच प्लेट के बारे में बात करने वाले हैं। और हमने इस बाइक को चलाया, इसमें 250 cc के बराबर कोई पिकअप ही नहीं था, इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर लॉस था। इसके लिए हमने कस्टमर से बात किया, उन्होंने बोला कि पहले भी एक बार इसके क्लच प्लेट चेंज किया था और हमें डीपली इंस्पेक्शन करेंगे क्लच प्लेट को। आप अगर ज़्यादा क्लच पकड़ के एक बाइक को भगाते हो और तो हल्का क्लच में भी बाइक चलता है तो इसमें क्लच प्लेट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है। और इंजन ऑयल चेंज करने का इंटरवल ज़्यादा हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। हम जो भी काम करते हैं पहले पार्ट्स को इंस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद हम बहुत सारी स्टेप फॉलो करके हमको काम करना पड़ता है, बहुत सारे रूल्स फॉलो करना पड़ता है। हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर को अच्छे से अच्छे सर्विस दे सके, इसलिए हम कोई चीपर काम नहीं करते, ऑल टाइम हमने बेस्ट से बेस्ट काम करने की कोशिश करते हैं। आप अपना टाइम निकालिए और हम हमारा काम कर देंगे। हमने इसका क्लच ओपन किया लेकिन हमने देखा कि पहले स्क्रैच आ चुका है बॉस क्लच और सेंटर पे, और निशान की ऊपर ही नया क्लच प्लेट इंस्टॉल करने की वजह से फिर से क्लच प्लेट डैमेज हो गया है। हमने डिसाइड किया क्या इसका क्लच प्लेट, फिक्सन प्लेट, बॉस क्लच और सेंटर को हम रिप्लेस कर देंगे तो इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा 100%। आप भी कोई काम अगर हमसे करवाना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे वर्कशॉप पे। हमने इसे होंडा का जेनुइन पार्ट्स यूज़ किया है और इसका पार्ट्स मिलने में बहुत ही दिक्कत हो रहा था लेकिन फिर भी हम मैनेज कर लिया। इंजन ओपन करने के बाद ये ऑयल स्क्रीन फिल्टर को ज़रूर से चेक कर लीजिएगा एक बार। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत सारा थैंक यू।